अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए कहा है कि देखो भगवान की लीला, भगवान का गुणानुवाद धन्य है। हे वेदव्यास, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माता राजघराने में झाड़ू पोछा लगाया करती थी। उस राजघराने में कुछ संतों का आगमन हुआ तो संत लोग दिन भर भजन करते, कीर्तन करते, पूजन करते, तो मेरी माता को भी संतों की सेवा करने का मौका मिलता, उनके कक्ष में उनकी साफ सफाई का मौका मिलता, जब वो भोजन कर लेते तो उनकी जूठी थाली ले जाकर धोने का सौभाग्य मिलता। ये किसको मिल रहा है? जो उस राजघराने में नौकरानी है। तो आज नारद जी की माता को वो सद्भाग्य प्राप्त हुआ संतों की सेवा का। संत जाने लगे, मैं रोने लगा, अरे गुरुदेव मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए, क्योंकि संतों के प्रवचन से, उनके कीर्तन से मेरे अंदर भगवान के प्रति प्रेम का भाव जग गया। भगवान का भजन, कीर्तन, कथाएं सुनने से क्या होता है? भगवान के प्रति प्रेम जगता है। जब जाने लगे तो खूब रोया, मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए। संतों ने कहा कि तुम्हारे ऊपर अभी एक दायित्व है, तुम्हारी माता की सेवा, वही तुम्हारे लिए धर्म है, माता की सेवा करो। माता की सेवा करता बार बार मन में यही आता कि मेरे भजन में बाधा है माँ, और भगवान ने मेरी सुनी। एक बार क्या हुआ, बोले माँ जा रही थी गौशाला में सायंकाल के समय दूध निकालने के लिए, दूध की बाल्टी जब लेकर आ रही थी तो संध्या काल था, एक सर्प वहाँ पर, जीवित सर्प, उसके ऊपर पाँव पड़ गया और सांप ने मेरी माँ को डस लिया और मेरी माता वहीं पर मूर्छित होकर मर गई। न तो मुझे बहुत दुख हुआ और न मुझे प्रसन्नता हुई। दुख इसलिए नहीं हुआ कि अब मैं वन में जाकर भगवान की आराधना कर पाऊंगा, अब माता की सेवा से भी मैं निवृत्त हुआ, इसलिए दुख नहीं हुआ। और प्रसन्न भी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि माँ गई है, प्रसन्न कैसे हो सकता हूँ? मुझको इस धराधाम में आने का जो कारण बनी है वो मेरी माँ है, मुझे संसार में लेकर आई है। इसलिए भगवान की लीला को, उनकी कृपा को प्रणाम करते हुए समस्त संस्कार आदि किए हैं और उसके बाद फिर मैं वन में जाकर भगवान नारायण की आराधना करने लगा। भगवान की खूब आराधना करी और तब भगवान ने अंतःकरण में ही सूक्ष्म रूप से दर्शन दिया और भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, इस जन्म में तो नहीं लेकिन हाँ अगले जन्म में मैं तुमको अवश्य प्राप्त होऊंगा। और उसके बाद हो गया सृष्टि का प्रलय। क्या हो गया, ध्यान से सुनिएगा, सृष्टि का प्रलय, सब कुछ जलमग्न हो गया, पूरा ब्रह्मांड नारायण के उदर में स्थापित हो गया। अब तो नारायण अकेले जल में शयन कर रहे हैं, कुछ नहीं है। भगवान अनंत काल तक सोते रहे, फिर वेद के मंत्रों ने भगवान को मंत्रों के द्वारा जगाया है, हे नारायण जगिए, सृष्टि की रचना कीजिए। और जब भगवान का पुनः विचार आया, एको हम बहुश्यामा, चलो अब सृष्टि करते हैं, अब भगवान पुनः सृष्टि करने लगे और उस नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। और ब्रह्मा जी जब सृष्टि करने लगे तो ब्रह्मा जी की गोद से मुझ नारद का जन्म हुआ, कहाँ तो दासी का पुत्र और कहाँ आज ब्रह्मा जी की गोद से नारद के रूप में पैदा हुआ है। इस प्रसंग से एक बात और समझना माताओं कि प्रलय के बाद भी हमारे कर्म का संस्कार समाप्त नहीं होता। अगर चोर सोचे, कई लोग सोचते हैं ना मरने के बाद स्वर्ग नरक किसने देखा, मरने के बाद तो छोड़ो, प्रलय के बाद भी हमारे कर्मों का संस्कार अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, वो समाप्त नहीं होता। नारद जी का पूर्व जन्म और नारद जी का ये वाले जन्म के बीच में एक प्रलय का समय बीत चुका है, उसके बाद भी कर्म का संस्कार समाप्त नहीं हुआ। जो पूर्व जन्म के कर्म थे उसी के आधार पर जन्म मिला, इसका मतलब हमारे कर्म कभी समाप्त नहीं होते, उसी के आधार पर हमको जन्म प्राप्त होता है।